नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगच। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से हम परचेस ऑर्डर की एंट्री करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम रिसिप्ट नोट की एंट्री करते हैं। मेरे साथ बने रहें और देखते रहें ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, रिसिप्ट नोट स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वाउचर में जाना है, यहाँ से डबल क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी रिसिप्ट नोट ऑन है। आपको इसे एक्टिव करने के लिए F10 प्रेस करना है, या तो राइट हैंड साइड में आप अदर वाउचर पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर सो इनएक्टिव पे क्लिक करोगे। यहाँ से आप देखेंगे रिसिप्ट नोट, इस पे आने के बाद डबल क्लिक आपको करना है। फिर इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आप इसे एक्टिव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी हम रिसिप्ट नोट कब करते हैं? जब हमारे पास कोई माल आ जाता है, जिस माल की डिलीवरी हमारे पास आ जाती है, उस वक्त हम रिसिप्ट नोट की एक एंट्री करते हैं कि क्या क्या माल हमारे पास आया है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में कि जिस माल की हमने ऑर्डर परचेस ऑर्डर दिया था, वो माल अभी हमारे पास आ गया है, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट नोट के अंदर कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे, आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं, एंटर। उसके बाद रेफरेंस नंबर, कि जो भी बिल नंबर आपका परचेस ऑर्डर था वो बिल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए हमने लिखा था कि SS/02, एंटर करेंगे, वो डेट लिख देंगे। पार्टी कौन थी हमारी? हमारी पार्टी थी यहाँ पर कलीना सुपारी स्टोर, एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर नंबर में जब मैं KSS01 लिखता हूँ, जो हमने परचेस ऑर्डर में बनाया था, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। इसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको टर्म ऑफ पेमेंट कैश, ऑनलाइन, एक डे में डिलीवरी चाहिए थी। यहाँ पर रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर अगर आपके पास है तो आप नंबर लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 123 नंबर है रिसिप्ट नंबर, एंटर करेंगे। एजेंट का नाम लिखेंगे और लॉरी नंबर, गाड़ी नंबर, जो भी अगर आपके पास है वो इसे आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर MH02DP6357, ये गाड़ी से हमारे पास माल ट्रांसपोर्ट होने वाला है, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से एड्रेस, जो भी हमें सप्लायर का एड्रेस लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसे भी आप कंट्रोल ए करके बाहर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे परचेस अकाउंट, यहाँ से हम लेजर हमारा परचेस अकाउंट है, और जो जो हमने लिया था सामान कलीना सुपारी स्टोर से, उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से ऑर्डर की थी। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने सबसे पहले राइस में 100 किलो राइस लिखा था, फिर उसके बाद हमने प्री क्लोज किया था जिसमें हमने 100 केजी की जगह पे 90 केजी किया था। देखिए यहाँ पर वो 90 केजी की एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये डिलीवरी आपके पास आ गई है, इसे आपको एंटर करना है। और यहाँ पर आपको क्वांटिटी लिखनी है जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर करके आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों, जैसे ही आपके पास माल रिसिप्ट हो जाता है और आपको उसकी एंट्री स्टॉक में देखनी है, तो किस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से आप स्टॉक समरी में आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, जब मैंने आपको पहले स्टॉक समरी करके दिखाया था तो यहाँ पर हमारे पास जीन्स, कुर्ती और टी शर्ट्स, अब यही दिखाई दे रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर राइस, वेट और ऑयल की एंट्री भी दिखाई रहा है। दोस्तों, अब आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर एक रिसिप्ट नोट बनाया। अब हमें देखना है कि रिसिप्ट नोट, यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले मोड में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमने ऑर्डर दिया था उसका ऑर्डर मिल गया है, लेकिन अभी उसका बिल पेंडिंग बाकी है। तो बिल पेंडिंग करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे बिल पेंडिंग में, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर परचेस बिल पेंडिंग, ये इतने अमाउंट का बिल आपका अभी यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। ये जब आप पेमेंट करेंगे तब आपको ये यहाँ पर रिसिप्ट माइनस हो जाएगा। तो ये एंट्री हम आगे सीखेंगे किस तरह से हम करते हैं, इसे हम बाहर एस्केप कर देते हैं। उसके बाद जो भी आपका आउटस्टैंडिंग ऑर्डर होगा, जो अभी तक आपको नहीं मिला है, उसकी डिटेल आपको देखनी है, तो आप यहाँ से परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी ऑल ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे आपका एक शर्ट्स का एक पुराना एंट्री जो है वो यहाँ पर बैलेंस बचा हुआ है,
इसे आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्री क्लोज ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से पूरे शर्ट्स हमको नहीं चाहिए फिलहाल अभी, तो हम इसे माइनस कर देते हैं 1000 क्वांटिटी, और लिख देते हैं यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल या नॉट रिक्वायर, और इसे एंटर कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। जैसे ही आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर जो भी ऑर्डर्स थे वो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।